बुलेटिन की शुरुआत कुछ खास खबरों के साथ करते हैं। रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि में 7 नवंबर से 11 नवंबर तक आयोजित होने वाले जनपद स्तरीय मंदाकिनी शरदोत्सव एवं कृषि एवं औद्योगिक विकास मेले की व्यवस्थाओं के लिए विधायक केदारनाथ शाला रानी गावत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है। विधायक ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यह एक कृषि एवं औद्योगिक विकास मेला भी है, जिसके माध्यम से सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन मानस तक पहुंचाना भी है, जिसके लिए सभी विभागों के अधिकारी अपने विभागीय स्टॉल लगाना सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो और लोग इनका लाभ भी ले सकें। वहीं मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार ने सभी विभागीय अधिकारियों से कहा कि मेले को भव्य एवं आकर्षक बनाने के लिए उनके स्तर से जो भी तैयारियां एवं व्यवस्थाएं की जानी है वह जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल लगाए जाने हैं, उसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों जनप्रतिनिधियों एवं मेला समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। मंदाकिनी शरदोत्सव और औद्योगिक विकास मेले की बैठक अधिकारियों के साथ संपन्न हुई, जिसमें कि ये निर्देश दिया गया कि मेले को बहुत सुंदर भव्य और सुसज्जित किया जाए और सभी अधिकारी अपने अपने विभागों की स्टॉल लगाए व मेले में अनुशासन बनाए। और ये जिला स्तरीय मेला है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रीगण आएंगे, हमारे और विशिष्ट मेहमान आएंगे, तो उनके भी स्वागत की विशेष व्यवस्था हो। माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें विभिन्न विभागों के और जो मेला आयोजक समिति है और हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया और ये उसकी रूपरेखा तय की गई कि किस तरह से मेले का आयोजन भव्य रूप से किया जाए, जिसमें समस्त विभागों की भी सहभागिता हो, उनके जो प्रोडक्ट हैं या उनकी जो सुविधाएं हैं जन कल्याणकारी वो लोगों तक पहुंचे।